जब जनप्रतिनिधि बेपरवाह हो जाएं, अधिकारी लापरवाह हो जाएं, तो आम आदमी को आजिज आकर इस तरह के पोस्टर लगाने पड़ते हैं। आप देख सकते हैं, ये अवधपुरी का इलाका है, आगरा का नरकपुरी नाम दे दिया गया है, नाला सरोवर कॉलोनी नाम दे दिया गया है। और आप समझ सकते हैं कि ये तमाम जो पोस्टर लगाए गए हैं और इन पोस्टरों में जो मैसेज छिपा हुआ है वो बता रहा है कि सरकारी सिस्टम किस तरह से सड़ चुका है, किस तरह से आम आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि सड़क पर नाला बना हुआ है, इसलिए इसका नाम दिया गया है नाला सरोवर। और बड़ी बात ये है कि यहाँ जो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, जो क्रिकेट टीम के प्लेइंग 11 के जो हिस्सा हैं, दीपक चाहर का घर भी यहीं पास में ही पड़ता है, यहीं से होकर उनके परिवारजन गुजरते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। और लगातार बारिश भी हो रही है, जल भराव देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि तमाम पोस्टर यहाँ लगाए गए हैं। मैं और आपको तमाम पोस्टर दिखा रहा हूँ कि ये बदबू विहार नाम दिया गया है, घिनौना नगर, यानी जो असली नाम है उनको बदलकर किस तरीके से जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको नाम देने की कोशिश की गई है, कीचड़ नगर, दुर्गंधशील। देखिए ऊपर मैं एक और आपको पोस्टर दिखाना चाह रहा हूँ, कीचड़ नगर दुर्गंधशील, उपेक्षित नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप समझ सकते हैं कि लोग जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सड़क, जो कहा जाए बारिश का जो पानी है उसकी निकासी के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, जो प्रॉपर सड़कें होनी चाहिए, वो यहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हैं। नरक से बदतर यहाँ हालात हैं, और यही वजह है कि लोग परेशान हैं। लोग अप्रोच कर रहे हैं तमाम सांसदों को, विधायकों को, इसके साथ ही तमाम अधिकारियों को अप्रोच किया, लेकिन सारी स्थिति ढाक के तीन पात की तरह नज़र आ रही है, जस की तस बनी हुई है, इसलिए ये कदम उठाना पड़ रहा है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। आप बताइए कि आपने नाम तो बड़े क्रिएटिव दिए हैं, लेकिन एक दर्द बहुत ज़बरदस्त छिपा हुआ आप लोगों का, क्या कहना चाहेंगे, कितने दिनों से आप परेशान हैं? सर ये तो काफ़ी समय से है, और काफ़ी समय से हम लोग प्रयास में हैं इस चीज़ के कि यहाँ पर ये 100 फुटा का जो रोड है जो निकलना चाहिए, लेकिन न तो प्रशासन साथ दे रहा है, न कोई नेता साथ दे रहा है, न कोई विधायक साथ दे रहा है। कल MLA बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री है योगी सरकार में, आप लोगों ने उन्हें वोट दिया तभी तो वो जीती हैं, तो क्या कहती हैं वो? सर वो तो मिलने से भी इनकार कर देती हैं, एक आध दो बार मुलाकात भी हुई है, तो उन्होंने खाली आश्वासन के अलावा और कोई चीज़ नहीं दी है उन्होंने। आश्वासन एक ऐसी मीठी पुड़िया होती है जिससे कभी समस्या का हल नहीं होता, अगर जनप्रतिनिधि या ऑफिस अफसर जिसको सीरियसली ना लें। आप बताइए, आप ये बहुत ज़्यादा स्थिति नरक जैसी बनी हुई है, कितने सालों से आप इस तरह का झेल रहे हैं, दुर्गंध है, बदबू है? मैं यहाँ पर 1996 से रहता हूँ। ये रोड जो है 1972 का मास्टर प्लान रोड है, जो कि आगरा की मास्टर प्लान योजना में 2031 के लिए फिर दोबारा से भी प्रस्तावित किया गया है। 2009 में भीमनगरी के समय पर इस रोड को बनाया गया था, इसका टेंडर उठाया गया था, जिसका 2,53,00,000 रुपए का इसका टेंडर उठा था, जिसकी हमारे पास टेंडर की कॉपी भी है, लेकिन गिट्टी बिछा करके और ठेकेदार को पूरा पेमेंट कर दिया गया। 88,00,000 रुपए के ये पोल लगाने का ठेका दिया गया था, उसका भी पूरा पेमेंट कर दिया गया, और 14 साल से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शासन की इस तरीके की बद इंतजामी की वजह से हमारे यहाँ पर 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पैदा हुए, राहुल चाहर जो कि हमारे गांव के हैं, और दीपक चाहर। राहुल चाहर जो है यहाँ से कुछ दूरी पर मकान है, वो अपने मकान को बेच के जा चुके हैं, और अंततः दीपक चाहर की माताजी यहाँ पर रहती हैं, केवल क्योंकि उनकी जो है भावनाएं इस मकान से जुड़ी हुई हैं। वो इंटरनेशनल फेम के जो कहा जाए जो प्लेयर्स हैं उनका घर भी यहाँ है, लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से कहा जाए कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहा जाए बहुत ही हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कही जाए, लगातार जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो बाशिंदे हैं अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कान पर जूं नहीं रेंग रही है। और लोकतंत्र में ऐसे नेताओं की हालांकि समीक्षा होती है 5 साल में जब चुनाव होते हैं, लेकिन कुछ ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार शायद लोग नज़र आ रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ से, जो MLA हैं, कैबिनेट मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य, या कहा जाए सांसद राजकुमार चाहर। आप बताइए, थोड़ी बारिश और पूरा लबालब हो जाता होगा? हाँ पूरा, ये कम देखा कि कुछ घरों में मकान बिकाऊ तक के पोस्टर लगे। हाँ ये एक फुट के पानी भर जाता है पूरा, 2-3 दिन तक निकल क्लियर नहीं होता ये रास्ता। आप समझ सकते हैं कि किस किस स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब बनी हुई है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम आप भी यहीं रहती हैं? जी सर, मैं यहीं रहती हूँ।
कैसे आना जाना रहता है? सर परेशानियां तो उठानी पड़ती है क्योंकि जैसे हम एक्टिवा लेके जाते हैं तो एक्टिवा रुक जाती है, फोर व्हीलर रुक जाती है। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने गुहार लगाई है कि भाई हमारे यहाँ पर ये सब ठीक किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला ही नहीं है। वोट के करने वाला नहीं है और यही वजह है कि जिस वायु विहार का नाम बदबू विहार कर दिया गया है और जो अवधपुरी है उसका नाम नरकपुरी कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कहा जाए सिस्टम में जो भ्रष्टाचार की जो जड़ें लगातार जो गहराती जा रही हैं उसकी कहीं ना कहीं एक पराकाष्ठा यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ के लोग संघर्षशील हैं, उन्होंने भी ठान लिया है कि वो कहीं ना कहीं अपने जो हक है उसके लिए वो लड़ाई लगातार वो लड़ते रहेंगे और यही वजह है कि उन्होंने नाम ही चेंज कर दिया है। वैसे तो कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है और ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि जो भी जनप्रतिनिधि और जो अधिकारी हैं इस खबर का संज्ञान लें और यहाँ जो स्थिति नरक से भी बदतर हो रखी हुई है वहाँ जो विकास कार्य जो प्रस्तावित हैं वो कराएं ताकि इन लोगों की जो ज़िंदगी है वो सुगम हो सके। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।